गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2023 का गुरुवार से शुभारंभ हुआ है। यह पितृपक्ष मेला 14 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष मेले के तीसरे दिन यानी आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को प्रीतशिला, ब्रह्म कुंड, राम कुंड एवं रामशिला और कागपली पर श्राद्ध करने का विधान है। प्रीतशिला को भूतों का पहाड़ कहा जाता है। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु से परलोक सिधारने वाले गया जी में स्थित मुख्य वेदियों में से एक प्रीतशिला पिंड वेदी में निवास करते हैं। यहां अकाल मृत्यु से मरने वालों की निमित्त पिंडदान से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह अपने वंश परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पितरों को अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए यहां पहाड़ पर सत्तू उड़ाने का भी प्रचलन है। भूतों का पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है प्रेतशिला वेदी। इन वेदियों पर भी पिंडदान का विधान। पितृपक्ष मेले के तीसरे दिन यानी आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को प्रेतशिला, ब्रह्म कुंड, राम कुंड, रामशिला और काकबली पर श्राद्ध पिंडदान का विधान है। इन वेदियों की अपनी अपनी बड़ी महत्ता है। इन वेदियों में से एक प्रेतशिला है जो गया जी विष्णु पद से करीब 8 मील की दूरी पर स्थित है। इसका पूरा नाम प्रेत पर्वत है। प्रेतशिला पर्वत के नीचे ब्रह्मकुंड स्थित है। ब्रह्मकुंड से लगभग 400 सीढ़ियां चढ़कर प्रेतशिला यानी कि प्रेत पर्वत पहुंचते हैं। इसे भूतों के पहाड़ के रूप में जाना जाता है। प्रेतशिला में पिंडदान से अकाल मृत्यु से मरने वालों को प्रेत योन से मिलती है मुक्ति। प्रेतशिला को भूतों का पहाड़ कहा जाता है जिनकी मृत्यु रोड एक्सीडेंट, जलने, आत्महत्या, हत्या कर दिए जाने से होती है। उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु से मरने वालों प्रेत योनि से मुक्ति के लिए प्रेतशिला श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है। यानी वजह है कि प्रेतशिला वेदी पर पिंडदान का बड़ा महत्व है। देश के कोने कोने यानी कि तकरीबन सभी राज्यों और विदेशों से आने वाले तीर्थयात्री अकाल मृत्यु का शिकार होने वाले पितर को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेतशिला पर पिंडदान करते हैं। यह सत्तू उड़ने का भी प्रचलन है जिसके बारे में कहा जाता है कि अकाल मृत्यु में सूतक काल लगा रहता है। सूतक काल में सत्तू का सेवन वर्जित माना जाता है और इसका सेवन पिंडदान के बाद कहा जाता है। इसी को लेकर प्रेतशिला का तीर्थयात्री सत्तू उड़ते हैं। इससे अकाल मृत्यु वाले पितर आत्मा अपने वंश परिवार को आशीर्वाद देते हैं और प्रश्न होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस तरह प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेतशिला वेदी पर पिंडदान का विधान है। प्रेतशिला की चट्टानों में है छिद्र, आत्माओं का छिद्रों में होता है वास। गया जी के मुख्य वेदियों में से एक प्रेतशिला यानी प्रेत पर्वत की चट्टानों में छिद्र है, जहां कहा जाता है कि इन छिद्रों में प्रेत आत्मा वास करते हैं। जहां तब जब तीर्थयात्री अकाल मृत्यु से ग्रसित हुए अपने पितर को प्रेत आत्मा से मुक्ति के लिए जब पिंडदान करते हैं तो छिद्र से पितर पिंडदान ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। संध्या के बाद आते हैं प्रेत के भगवान। कहा जाता है कि संध्या के बाद यहाँ कोई नहीं रहता क्योंकि यहाँ प्रेत के भगवान आते हैं। इस तरह प्रेतशिला वेदी में पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पिंडदान का विधान है। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का तीसरे दिन प्रेतशिला के अलावे ब्रह्म कुंड, राम कुंड, रामशिला, काकबली पर भी श्राद्ध पिंडदान करना चाहिए। कहाँ कहाँ है, क्या करना है? मैं मुंबई से आया हूँ और मेरा घर गाजीपुर जिला में पुलानिया गाँव, वहाँ से यहाँ आए हैं पिंडदान करने। अपने पूर्वज को किस जगह में आए आप? गया जी आए हैं। और यहाँ का क्या नाम है? प्रेतशिला। प्रेतशिला पहाड़ कोरमा कोरमा गया आए हैं। क्या यहाँ किया आपने? अभी यहाँ पे पूर्वजों का श्राद्ध होता है, पूर्वजों का श्राद्ध होता है और यहाँ आए हैं, सत्तू उड़ाए हैं, फिर आगे सीढ़ी पे करके जाएंगे। वहाँ सत्तू क्यों उड़ाते हैं ये तो बाबा जी बताएंगे। यहाँ सत्तू का क्या महत्व है? सत्य गति के लिए सत्तू का उड़ान होता है पूर्वजों के लिए, हमारे जो पूर्वमुखाल में किसी नौकरी थी नहीं, ऐसे जो घर में गुजरे हुए हैं उनके उनके शांति के लिए यहाँ हम आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रविंद्र श्रीनाथ खरवार नाम है। क्या करने आए हैं? गया श्राद्ध कराने। गया श्राद्ध कराने। आज कहाँ आए हैं? गया में। कैसे कैसे यहाँ पिंडदान कर रहे हैं? कैसे कैसे कर रहे हैं? पिंडदान से कर रहे हैं पूरे यहाँ। प्रेतशिला जो है यहाँ अकाल मृत्यु के बाद भी पिंडदान किया जाता है। उसी के लिए क्या किसी मृत्यु हुई
इसमें ये श्राद्ध कराने से क्या मोक्ष होता है, पितरों का मोक्ष होता है, अकाल मृत्यु से भी, अकाल मृत्यु के लिए। क्या नाम हुआ? सज्जन अग्रवाल। यहाँ पे सलाम, कैसे मौत हुई थी? अकाल मृत्यु हुआ था? नहीं नहीं। यहाँ पे सलाम, कैसे मौत हुई थी? अकाल मृत्यु हुआ था? नहीं नहीं। क्षेत्र में आता है, यहाँ पे अकाल मृत्यु का शांति सदगति मिलता है, पुण्यदान होता है। यहाँ पे जो भी अकाल मृत्यु से मरते हैं, आग लगा कर, फांसी लगा कर, पानी में डूब के मरते हैं, सबका आत्मा का संतुष्टि यहाँ पे होता है। यहाँ पे प्रेतों का वास है, ऊपर में यहाँ पे प्रेत भी रहता है। इसके लिए प्रेत रहते हैं यहाँ पे 6 बजे के बाद शाम को कोई भी नहीं यहाँ पे रहता है। मेले के टाइम में सबको रहते हैं, लेकिन अंदीना कोई नहीं रहते, बाकी पार्ट 300 पैसे भी चालू रहता है। जो भी आत्मा हिसाब से सदगति होता है। दरार भी है चट्टानों में? हाँ, दरार है चट्टानों में। ऊपर आप जाइएगा तो 3 लकीर मिलेगा, ब्रह्मा जी का चरण है, उसमें 3 लकीर है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। काली माता का मंदिर है, यहाँ से 10 सीढ़ी ऊपर जाइएगा माँ कामाख्या का मंदिर है, जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे बजवृक्ष मंदिर है। ये कर्म का साक्षी है, यहाँ पे भी श्राद्ध होता है, जो ऊपर नहीं जाते हैं। यहाँ पे पिंडदान विसर्जन होता है, के सामने यहाँ पे सत्तू उड़ान होता है। सत्तू क्यों उड़ाते हैं? सत्तू यहाँ पे जैसे मरु पूर्वजों रहते हैं, उनको आत्मा को शांति के लिए यहाँ पे सत्तू उड़ाया जाता है। हाँ, चट्टानों में दरार भी होता है? कौन सा? चट्टानों में दरार होता है, जैसे जिसका किसी होता है, जो अकाल मृत्यु समर्थ है, उसका सोना चांदी ये सब जेवरात वगैरह रहता है, तो पत्थर में डाला जाता है, ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, वो लोग ग्रहण कर लेते हैं, उनका आत्मा यहाँ पे आने के बाद सदगति हो जाता है। आपको बाहर जाने का कहीं जरूरत नहीं, प्रेसिला में आओ, जो भी आपका दुख संकट होगा सब यहाँ पे आपको सही हो जाएगा। हाँ, प्रेत जोनी से आपको मुक्त मिल जाएगा, आपको कहीं जाने का जरूरत ही नहीं, सब यहीं पे आपको जो भी आत्मा में होगा सब सही हो जाएगा। विशेष अकाल मृत्यु वाला? हाँ, विशेष अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट हो गया, फांसी लगा के मरे, आग में जल के मरे, पानी में डूब के मरे, बिच्छू काट लिया, सांप काट लिया, जो भी अकाल मृत्यु से है, उसका सबका सदगति यहीं पे होता है। इसके अलावा कहीं भी सदगति नहीं है। यहाँ पे पिंडदान कराओ, आत्मा उनकी शांति हो जाए। क्या नाम हुआ? अब मेरा नाम मनोज गिरी। अब क्या है यहाँ के? हम यहाँ का पंडा जी और धर्मिया परिवार अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए नया श्राद्ध करने के लिए आए हैं, और अभी यहाँ पे प्रेत शिला में हमने पिंडदान करवाया है उनसे। और यहाँ पे आकर सत्तू वगैरह जो नियम होते हैं, वो नियम इनसे कराए गए हैं। अगले 14 दिन और पिंडदान होंगे। श्राद्ध पक्ष में 16 या 17 दिन का जो श्राद्ध कर्म पक्ष होता है, उसमें अलग अलग वेदियों पे अलग अलग पिंडदान किया जाता है, और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अपने कुल की 7 पीढ़ी उसमें जो भी पितृ अकाल मृत्यु वगैरह से देहांत हुए हैं, वो यहाँ सबका उद्धार या प्रेतशिला में होता है। इसमें जो कर्म गया श्राद्ध के अंतर्गत आता है प्रेतशिला, यहाँ पे आज हमने पिंडदान करवाया है, और पूर्वजों के उद्धार के लिए भगवान नारायण से प्रार्थना की। जय श्री हरि। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंडित सुमित पारिख है, मेरे सहयोगी कैलाजी शास्त्री आसाम से हैं। कौन सा है? आसाम से सदस्य आए हुए हैं। किन्हीं की मौत अकाल मृत्यु से हुई थी? इनके पूर्वजों में किसी को अकाल मृत्यु हुई या नहीं हुई भी है, फिर भी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ये लोग गया श्राद्ध करने आए हैं यहाँ पे। एक पितरों के प्रति जो आस्था होती है, उस आस्था को जीवित रखते हुए इन लोगों ने ये कर्म को चुना है, और आज यहाँ पे इस कर्म के आधार पर प्रेतशिला में पिंडदान करने के लिए आए हैं। प्रेतशिला में अकाल मृत्यु से प्रेतशिला में जो भी अकाल मृत्यु वगैरह जो गर्भ धारण करते हैं, या गर्भपात से जो बच्चे अगर शिशु अकाल मृत्यु में ग्रस्त हो जाते हैं, एक्सीडेंट से या सर्प के काटने से जो भी मृत्यु होती है अकाल मृत्यु, उनका यह प्रेतशिला में पिंडदान करने से उनका मोक्ष हो जाता है, वो श्री हरि के धाम में चले जाते हैं। पितृलोक का उद्धार होता है, जो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, जहर खा के, फांसी लगा के, एक्सीडेंट से, हैजा कोड़ा प्लेग से, उनको यहाँ पे फोटो ला के विसर्जन करते हैं,
पुराना कपड़ा ला के विसर्जन करते हैं, सोना चांदी हीरा मोती रहता वो भी ला के छोड़ते हैं, उनका गति का स्थान पेट खिलाते हैं। मुख्य जगह है भूतों का पहाड़। हाँ, ये भूतों का पहाड़ है, एक पर्वत के नाम से जाना जाता है, पेट खिला पर्वत ही अच्छा। साथ के लिए आए हैं हम, नागपुर से आए हैं, हमारा नाम काजल अग्रवाल है। हम पूरे परिवार के साथ, चाचा ससुर, सास ससुर, चाची सास, जेठ जेठानी, हम पति, मेरे पति हैं, हम लोग सब साथ में गए उत्साह के सब से आए हैं। हमारे ससुर जी के भाई की एक अकाल मृत्यु हुई थी, वो कुएं में गिर गए थे, तो कहा जाता है कि गया श्राद्ध में सबका मोक्ष हो जाता है, तो पिछले 18 दिन से हम यही हैं। 18 दिन से डेली हर जगह अलग श्राद्ध हो रहा है और पंडित जी पूरी विधि विधान से पूजा करवाते हैं, तो इसमें पिंड दान वगैरह भी है, तो कभी हमसे आटे का पिंड दान, कभी ये चावल का पिंड दान, कभी खीर का पिंड दान, सत्तु का बुला के सब पिंड दान करवाते हैं। और एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होते 8-15 दिन के अंदर ही शांत हो गए थे, फिर जिठाने उनका भी हम शांत करने, उनके मोक्ष प्राप्ति के हिसाब से मोक्ष मिल जाए उनको भी, इस हिसाब से यहाँ आए हुए हैं और पूरी विधि विधान के साथ में सास ससुर जी की। हाँ, ये अकाल मृत्यु यहाँ जिनकी होती है, तो कहा जाता है प्रेक्षशिला में उनको मुक्ति मिल जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है और भगवान से उनका मिलन हो जाता है। क्या नाम? काजल संजय अग्रवाल, मैं नागपुर से आई हूँ।